क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास दैट ए इज इक्वल टू 1/3 देन द नंबर ऑफ रिलेशंस वन टू एंड वन थ्री व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो आंसर अब इसमें से एलिमेंट्स निकाल के हम डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हैं. अब हमें ऐसे रिलेशंस लेने हैं व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांसिटिव हो, और उसमें 1/2 और 1/3 जरूर है. रिफ्लेक्सिव के लिए 1/1 3 ये तो होना ही चाहिए. अब उसने क्या कहा, एक शब्द करके 1/2 और 1/3 और तो 1/2 and 1/3. अब इट शुड बी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए अगर 1/2 है तो 1 लेना पड़ेगा, 1/3 है तो 3 लेना पड़ेगा. एनी अदर अब मुझे ये रखना है कि ये ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए. तो इस तरह के कितने रिलेशन बच्चे जब उसने कहा ना रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट्स यहाँ होते हैं वो सारे इंक्लूड करने पड़ते हैं. अगर इंक्लूड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो आपको एक सेक्शन क्या है फिक्स कर दी है. हाँ जी ठीक है, बताओ जी. इसके अलावा और कोई बन रहा है रिलेशन? अब ये हाँ जी को बात बात करेंगे पहले ये बताओ. हाँ जी ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. हाँ जी क्या कह रहे हो? ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए उसने कहा, बट नॉट ट्रांसिटिव. कल नहीं फिर एक एलिमेंट और ऐड करें. कौन सा एलिमेंट ऐड करें?
विक्ट्री को जी होना चाहिए। कौन सा वन थ्री ने कहा एक शुभ करते एक वन थ्री वन टू भी होना चाहिए वन थ्री भी होना चाहिए। अब ये ट्रांसिट में बन रहा है या तो कोई ऐसा बताओ जिससे करके ये ट्रांसिट नहीं है पिछले से ऐसा आएगा ये देखो दिस इज टू वन दिस इज वन थ्री टू वन बिलोंग्स टू आर वन थ्री बिलोंग्स टू आर दस टू थ्री बिलोंग्स टू आर ट्रांसिटिव है इसमें रिलेशन हाँ जी सिमेट्रिक मैंने ऐड किया ही पूछी नहीं करना ना यहाँ देखते ना टू वन जरूरी नहीं है कि आगे से पीछे वाले को देख लिया टू वन और वन थ्री ये दोनों आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं दोनों लेकिन टू कॉमा थ्री जो है दैट डज नॉट बिलोंग टू आर तो ट्रांसिटिव वाली कंडीशन यहाँ पे यानी कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है बट ट्रांसिटिव नहीं तो और कोई रिलेशन बन रहा है इसके अलावा तो हाउ मेनी रिलेशंस आर फॉर्मिंग फॉर दिस वन तो ऑप्शन ए एक रिलेशन यही बना ना इसके अलावा कुछ और ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो भी हमारा उसके लिए अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हमें क्या है हमें फाइंड आउट करने हैं cos इनवर्स x / 3 + cos इनवर्स y / 2 = थीटा / 2 हमें दिया है हमें गिवन है f(x) cos x हमें cos x sin x cos x और गिवन है f(x) (y) ये हमें सारा गिवन है हमें z बताना है कि z ऑप्शंस हैं 5 से 6 5 - 6 x - 5 और x परफेक्ट x का हां x की जगह y का के ये क्या हो जाएंगे आ गया या करो ये बन गया cos x - sin x sin x cos अब ये किसके साथ गिवन है cos f of y के साथ जहां जहां x है वो रिप्लेस कर दो दिस इज इक्वल टू अब इसको सिंपलीफाई कर cos x cos y minus sin x sin y आपका बनेगा cos x sin y plus minus plus sin x and the third one cos minus sin x cos
बातें नहीं बेटा बातें नहीं cos x cos y minus sin x sin y किसका फॉर्मूला है ये cos of एक ही बात है तो ये बन गया आपका cos of x plus y सेकेंड वाला किसका फॉर्मूला है ये sin a cos b plus cos a sin b साइन ए प्लस बी वाई प्लस एक्स कॉम्यूटेटिव होता है तो मैं इसको भी एक्स प्लस वाई लिख रही हूँ. अब नेक्स्ट वाला बताइए यहाँ पे दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं माइनस हम कॉमन ले सकते हैं माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये पॉजिटिव बन गया तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो अगेन साइन ऑफ और नेगेटिव साइन आगे था वो एज इट इज ले लिया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यहाँ प्लस है नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस जेड माइनस साइन जेड एंड कॉस जेड तो ये किसके इक्वल आ गया जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है गॉट इट तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ये वैसे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आई डोंट नो क्यों गिवन है बट स्टिल सिंपल है देख लो इसको फाइव स्क्वायर फाइव क्यूब फाइव टू द पावर फोर देन फाइव क्यूब फाइव टू द पावर फोर फाइव टू द पावर फाइव and the next one is 5 to the power 4 5 to the power 5 and 5 to the power 6 ye determinant hai find the value of this tabhi to maine kaha I don't know why they have given हाँ कॉमन निकाल लोगे क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना उससे तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो इसको हम डिलीटेड पार्ट भी नहीं कह सकते डिटरमिनेंट पूछा है ना उन्होंने प्रॉपर्टी यूज करो ना करो दैट इज अप टू यू गॉट इट यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा क्या आ जाएगा अगला फाइव टू दी पार फोर जब सभी रोज या दो रोज सेम होती हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है जीरो ठीक फाइव रेज टू पार फाइव रेज बच्चे फर्स्ट वाले में से फाइव स्क्वायर निकाल लिया मैंने उल्टा लिख दिया फाइव फाइव हाँ जी नहीं फाइव है क्लियर जब सब या एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर हैविंग सेम वैल्यूज तो डिटरमिनेंट इज जीरो तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट इज जीरो नाउ द नेक्स्ट वन फॉर द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई is equal to 1 find dy by dx at 4 1 by 4 comma 1 by 4 for root x plus root y equal to 1 find dy by dx at 1 by 4 comma 1 by 4
डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव लॉग कब लेना है? जब वेरिएबल बाहर वेरिएबल है। रूट एक्स का आपको मैंने कितनी बार बोला है, सीधा लर्न कर लो। ये वाई का, यस, अब वाई फर्दर डिफरेंशिएबल है एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से? ये उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इधर डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई करोगे। गुड मॉर्निंग। ये टीचर्स को देख के ही डालता है मैम। मेरा ध्यान नहीं गया एक्चुअली। क्लियर? क्या आएगा अब यहाँ पे? माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, दोनों वैल्यू सेम है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। तनवीर, डाउट है कोई? हाँ जी, ले आगे ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन देन दिस इज फाइव कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें इसकी। x is equal to 0, 1 and 2. देखो x is equal to 0 जब आप लेके चलोगे, x is equal to 0 के लिए आपको ये वाला लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि x less than equal to 1, यानी कि x की वैल्यूज 1 जहां पे लेस है 1 से, उसके लिए जो हमारा फंक्शन f of x है दैट इज इक्वल टू x। फिर इक्वल टू 1 के लिए भी यही है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है उसके लिए हमने जो फंक्शन लेके चलना है वो क्या है? f of x is equal to 5। यानी कि 1 से लेस वाले सभी के लिए ये x है, चाहे मैं जिस मर्जी पॉइंट पे लूं ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि x इज अ पॉलिनोमियल, बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है, करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट बबली हो गया आपका। देन x इज इक्वल टू 2 इधर आएगा पॉइंट आपका, तो 2 के स्लाइटली लेफ्ट पे चेक करूं, स्लाइटली राइट पे चेक करूं, या मैं दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकती हूँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 है, 5 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि वो वैल्यू फिक्स रहनी है 5, चाहे मैं स्लाइटली लेफ्ट पे लूं, चाहे राइट पे लूं, चाहे एफ ऑफ 2 पे लूं। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब रह क्या गया? एक्स इज इक्वल टू 1। x is equal to 1 के लिए जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगी मुझे फंक्शन क्या लेना पड़ेगा? f of x is equal to x, यानी कि लिमिट x tends to 1 of x बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या वैल्यू आएगी? 1। अब राइट हैंड लिमिट स्लाइटली टू द राइट, f of x is equal to 5 है आपका, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? 5। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया, यानी कि एट x is equal to 1 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 2, बट एट x इज इक्वल टू 1 इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तब भी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं चेक करनी, साइंस भी चेक करनी है। हाँ जी,
एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है, बेशक वैल्यूज न्यूमेरिकली वो इक्वल है, बट देन ऑल्सो इट विल बी डिसकंटिन्यूअस. एनी अदर क्वेश्चन बच्चे? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. पेपर में भी अब प्री बोर्ड का पेपर करते हुए भी प्लस बोर्ड का पेपर करते हुए भी ध्यान रखना है. सेक्शन ए में यू विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस, उसमें से जो 16 आपको आते होंगे वही करने हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि जो फर्स्ट 16 अटेम्प्टेड होंगे, चाहे उसमें आपका ठीक है चाहे गलत है, मार्क्स उसी के मिलने हैं. मान लो आपने 20 के 20 अटेम्प्ट कर दिए, लास्ट के चार आपके ठीक है, बीच में से कोई चार और गलत है, तो लास्ट के चार कंसीडर नहीं होंगे, जो फर्स्ट 16 में मार्क्स बन रहे हैं वही मिलेंगे. तो जो क्वेश्चन में डाउट है उसको छोड़ दो, उससे नीचे वाले जो आपको लगता है श्योर कि यहाँ ये ठीक है वो आपने अटेम्प्ट करना है. गॉट इट? 20 में से अटेम्प्ट ओनली 16 ही आपको करनी है. सेकेंड सेक्शन में भी 20 में से एनी 16 यू आर टू अटेम्प्ट. एंड देन सेक्शन जो आपका सी होगा उसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे, 5 केस स्टडी में है, 5 ऊपर होंगे, टोटल 10 में से एनी 8 यू कैन अटेम्प्ट. चाहे 5 ऊपर वाले करके केस स्टडी में से 3 कर दो, चाहे केस स्टडी के 5वां अटेम्प्ट करके ऊपर से 3 अटेम्प्ट कर दो, वो एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब उन टोटल 10 में से आपने जो है 8 अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन ए टोटल 20 में से एनी 16, सेक्शन बी टोटल 20 में से एनी 16. क्लियर? एक्स्ट्रा मार्क करोगे तो जो पहले वाले आपके चेक्ड होंगे उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे, बाद वाले चाहे सही हो, बाद में ओएमआर शीट लेके मत आना कि मैम ये ठीक था, नंबर नहीं मिले, क्योंकि बोर्ड में भी यही चेकिंग होनी है, तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग. ठीक है? अब इसमें हमें जो गिवन है दैट इज गिवन 2x + y less than equal to 10, तो आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ कि क्योंकि चॉइस है वहां पे, तो एलपीपी अगर आपको उन्होंने ब्लू प्रिंट में 5 मार्क्स की दी हुई है तो उसके 6 या 7 क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं, इसी तरीके से जो इजी वाले चैप्टर्स हैं जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. एक चैप्टर जैसे एओडी आपको अगर अभी फिलहाल के लिए टफ लग रहा है, यू कैन लीव दैट. बाकी के जितने प्रिपेयर कर रहे हो वो इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए. ठीक है? जो चैप्टर आप छोड़ोगे, एक जो आपको लग रहा है कि अभी अच्छे से नहीं आ रहा, आफ्टर योर प्री बोर्ड यू आर स्टिल हैविंग 10 डेज, तो वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते. Got it? मतलब अब जो भी तैयारी कर रहे हो वो अपनी बोर्ड्स के हिसाब से करनी है. x plus 3y less than equal to 15, y greater than 0, x greater than 0. ये दोनों बार बार मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपका. दीज आर 0, 0, 5, 0, 3, 4. And 0, 5. ठीक है? The corner points of the given system of linear inequalities, इनके corner points ये हमें given है. Then z is equal to px plus qy. Where p comma q greater than 0. Then condition on p and q so that the maximum of z occurs at. हमें condition on P and Q find out करनी है, पेपर में भी था. हाँ जी. Such that maximum of Z occurs at 3, 4 and 0, 5. चलिए, maximum occurs at 3, 4 and 0, 5. तो इसी के बेसिस पे आप ये निकाल लो. ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, मेथड वही है. हाँ, एक्स और यस, एक्स वाई को पुट कर लो. 3p + 4q इज इक्वल टू, अब 0, 5 पुट करो तो 0 × p इज 0 + 5q. दोनों को इक्वेट इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों पे जो आपकी वैल्यू है जेड की वो मैक्सिमम है, और आपको पता है एलपीपी में जो सेम वैल्यूज अगर होती हैं तो मैक्सिमम में अगर दो हैं तो मतलब दोनों की दोनों सेम है.
यहाँ दोनों पॉइंट्स पे आपको गिवन था कि वैल्यू ऑफ जेड इज मैक्सिमम, इट मींस ये दोनों आपकी वैल्यूज सेम होंगी. तो ये कंसेप्ट आपका वही यूज हो गया कि अगर मैक्स दो पॉइंट्स आपको गिवन है कि जेड इज मैक्सिमम एट टू पॉइंट्स, तो वो दोनों पॉइंट्स पे वैल्यूज सेम होंगे. हमने वैल्यूज इक्वेट कर दी तो यहाँ से क्या आ गया, 3p इज इक्वल टू क्यू. ठीक है, क्लियर. तो जहाँ पे ऑन टू पॉइंट्स मैक्सिमम या मिनिमम गिवन है, उन पॉइंट्स को आपने z में पुट करना है, उन पॉइंट्स को z में पुट करके इक्वेट कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द लीनियर कंस्ट्रेंट्स. अब अगेन हमें कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, तो इस वाले में आपने देखा कि जो हमें ये इनइक्वालिटीज गिवन थी, इनका कोई रोल नहीं था सॉल्यूशन. ठीक है, तो वो डी भी होती ना भी डी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो क्या क्या गिवन है, 0, 10, 5, 5, 15, 15, 15, 15, then 0, 20, 20. Z is px plus q y again. Condition on p and q we are to find out such that the minimum of z occurs at 15, 15 and 0, 20. ये आया था I think paper. अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ जेड नहीं है, मिनिमम ऑफ जेड गिवन है. तो चाहे मैक्सिमम ऑफ जेड है चाहे मिनिमम ऑफ जेड है, अगर दो पॉइंट्स पे वो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है तो उनको इक्वेट कर दोगे. तो अब क्या इक्वेट होगा आपका, 15p प्लस 15q इज इक्वल टू 0 इनटू p इज 0, 20q. तो 15p इज इक्वल टू 20 माइनस 15, 5 आ जाएगा. तो 3p इज इक्वल टू क्यू. तो क्वेश्चंस डिफरेंट थे बट आंसर्स आपके सेम. नाउ द नेक्स्ट वन, बाय द ग्राफिकल मेथड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. जेड गिवन है मुझे. अच्छा, आप इस वाले में देखो जो मुझे वेरिएबल्स गिवन है, आपको पता है इसमें जो एक्स और वाई है कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ये these are called the decision variables. x और y क्या है, decision variables. अब इसमें मुझे जो decision variables हैं वो x1 और x2 की form में given है, तो confused नहीं होना. z given है मुझे 3x1 plus 5x2 subject to constraints 3x1 plus 2x2 less than equal to 18. Then second constraint is x1 is less than equal to 4. Then the next constraint is x2 is less than equal to 6. Again, non-negative constraints, x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0. अगर word problem आती है, linear equation, in equations form करनी आती है, ये non-negative restrictions आपने जरूर लेनी है साथ. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है ऑप्शन में ये आपको एक के साथ ये गिवन होगी, सेकंड वाले ऑप्शन के साथ नहीं गिवन होगी, तो जहां गिवन होगी वो वाली आपने लेके चलनी है. अब इसमें वो कह रहा है कि जो हमें वैल्यूज निकालनी है, जो ऑप्शंस गिवन है, x1 की वैल्यू गिवन है, x2 की वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन ए है आपकी 206. अब ये सिंप्लीफाई करना है, इट मीन्स आप करो जल्दी से, मैक्सिमाइज करना है हमने जेड को. इट मींस अब ये आपका पूरा एलपीपी वाला सॉल्व करने वाला पार्ट है. Simplify this.
हाँ जी कैसे बिना सॉल्व किए कॉपी खाए? हाँ जी बाकी कैसे किया? तुक्का नहीं मारना ना। हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ना। बहुत डन करो। फिर फायदा क्या उसका बताओ, है कोई फायदा? यहाँ ठीक है, वहां गलत हुआ तो यही तो मैं कह रही हूँ कि रिस्क फैक्टर इज देयर। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती है, और उस क्वेश्चन का तुम्हें सबसे ज्यादा दुख लगेगा जो अगर आपने सॉल्व किया है, सिर्फ लास्ट स्टेप में आंसर गलत आपने मार्क कर दिया, ऊपर सारा सही था। यहाँ ये मार्क्स बहुत लूज कर रहे हो आप। So you have to be very attentive. फिर वही तो नंबर गए तो क्या फायदा उसका, यही चीज तो मैं आपको समझा रही हूँ। अविश डन, क्या आया आंसर दिखा इधर मुझे। Bring your notebook. क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व किसने करने है? क्या? हाँ तो सभी में वो वैल्यूज आ रही है। हाँ डी सी छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड सेकंड आती है तो फिर उसका मैक्सिमम देख लिया 36। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चले अगले पे। एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू 6। ये 4 दोनों कंडीशंस ये भी सेटिस्फाई हो रही हैं, इक्वल टू भी है। हाँ जी सॉल्व करना पड़ेगा। अविश पता लगी गलती किसमें पुट कर दूं? वो बेटे सारा यही आएगा, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो आप। बेटे बी और सी कैसे आए? कौन सी? क्यों? अच्छा इस इनइक्वालिटी को कह रहे हो आप। अच्छा डी वाली ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, फाइन डी ऑप्शन हट गई आपकी। अब सी पे आइए, 4 3 12 6 18 = 18 सेटिस्फाई कर रहा है उसको। कहाँ? हाँ अच्छा, ये यू आर सेइंग कि ये तीनों सेटिस्फाई कर रही थी तो हमने तीनों का सेट कंपेयर करके इट्स ओके, देन इट्स ओके। तीनों सेटिस्फाई हो रही थी, एक गई, तो तीनों में से जेड आपका मैक्सिमम 36। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। अब हमें गिवन है जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा चल रहे हैं, अबाउट 911 मिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट एंड वोट टर्न आउट वॉज अबाउट 67% द हाइएस्ट एवर। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन दिस एल एज फॉलोज। ये एल की जगह एक्चुअल आई गिवन है फॉर इंटीजर्स, कोई बात नहीं। आर इज इक्वल टू हमें गिवन है एक्स कॉमा वी वन कॉमा वी टू सच दैट वी वन एंड वी टू बिलोंग्स टू आई। आई जो है दिस इज द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए।
अब उसमें जो है बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, ये हमें रिलेशन गिवन है, साथ में आगे गिवन है बोथ यूज देयर राइट. देन क्वेश्चन है जो हमारा, दैट इज टू नेबर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई, एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट व्हाइल वाई डिड कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन 2019. तो ऑप्शंस हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा आर को, एक्स वाई कॉमा वाई बिलोंग करेगा आर को, एंड एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड वाई एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग टू आर. दोबारा सुन लो, ये हमें गिवन है वी वन कॉमा वी टू सच दैट वी वन एंड वी टू बोथ बिलोंग्स टू आई. आई क्या था? सेट ऑफ ऑल इन सिटीजन ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग, और एंड साथ में क्या कंडीशन गिवन है, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019. मतलब एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन हो रही है और एक किस में हो रही है कि उसने जो वोटिंग जो है एक्चुअल में वो की है. क्या आएगा ऑप्शन बोलो. क्यों यहाँ वो क्या कह रहे हैं, दोनों सिटीजन्स ऑफ इंडिया बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, और यहाँ उसने क्या कहा कि वाई जो है दैट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइजिंग एंड वोटेड इन द जनरल इलेक्शन. तो इट मींस इसने एक्सरसाइज वाला जो पार्टिसिपेशन था वो नहीं किया. तो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर. हाँ जी, डज नॉट बिलोंग टू आर. सो थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे.